तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आपको बता रहने वाला हूँ कि फेसबुक के वीडियो को शेयर करने के सभी रूल्स, यानी कि फेसबुक के वीडियो को शेयर करने का सही तरीका। मुझे पता है देखो कि आप जिस वीडियो को देख रहे हो उनका पेज मोनेटाइज हो गया होगा, उनके लाखों लाखों में फॉलोवर्स होंगे, या फिर वो लोग जो फेसबुक शेयर नहीं करना चाहते और वो अपने को फेसबुक पेज बनाए हुए हैं। जितने भी फेसबुक क्रिएटर इस टाइम वो सभी यूट्यूब में यही सर्च करते रहते हैं कि फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएं, पेज को मोनेटाइज कैसे करवाएं, कैसे हम अपने पेज से अच्छा खासा अर्निंग करें, फेसबुक पेज को हम अपने फेसबुक पेज के वीडियो को हम लोग वायरल कैसे करें। सभी क्रिएटर इसी के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी इन्हीं चीज़ को नहीं जानता है कि फेसबुक के कौन से रूल्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए और जो नहीं फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, ये बात हम लोग पहले ही बताया था, फेसबुक के कुछ ऐसे रूल्स है जो हम लोग को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपके पेज में लाखों लाखों फॉलोवर्स हो गए, आपका पेज अच्छा खासा मोनेटाइज हो गया, आपकी अच्छी अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन आप लोग वीडियो पे शेयर करने का सही तरीका नहीं जानते, वीडियो को रूल्स को आपको नहीं पता है फेसबुक के, तो आपको तकलीफ हो सकता है। तो जैसे कि यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर जो यूट्यूब के रूल्स नहीं पता था, तो उनको वीडियो अपलोड भी करते थे तो उनका सभी चैनल डिलीट हो गया। तो आप लोग किसी के भी वीडियो अपलोड करते तो उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो तो आपको स्ट्राइक देता है सामने वाला क्रिएटर, तो बहुत तो आपका पूरा चैनल एक बार में डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो चाहे आपका चैनल पर कितने भी ज़्यादा सब्सक्राइबर क्यों नहीं होगा, एक भी एक से एक कंडीशन फेसबुक पे भी आपका फेसबुक आपका पेज फिर मोनेटाइज भी हो गया, फेसबुक फिर से भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन कर रहे हैं तो फेसबुक पेज आपका फाइनली डिलीट कर देता है। ठीक है, और दोस्तों हम लोग दावों के साथ कर सकते हैं आपको कि फेसबुक से रिलेटेड जितने भी बंदे बनाते हैं, जितने भी आपको फेसबुक रूल्स के रिलेटेड वीडियो नहीं बनाएगा, फेसबुक किस प्रकार का वीडियो आपको अपलोड करना चाहिए, फेसबुक किस प्रकार का कॉन्टेंट अपलोड करना चाहिए, फेसबुक किस किस तरीके का कॉन्टेंट अपलोड करने से डायरेक्टली डिलीट कर देता है, फेसबुक अपलोड करने का सही तरीका क्या है, आपको इस तरह का आपको यूट्यूब का पे कोई भी डिटेक्टेड वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिएगा तो वो अपने व्यूज़ पाने के लिए सिर्फ एक दो व्यूज़ को ही बताते हैं। फेसबुक के आप सभी रूल्स का आप कोई भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो सभी फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, जिनको मैं सिर्फ एक वीडियो में नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको फेसबुक रूल्स के सिर्फ एक सीरीज बनाया हूँ मैं। ठीक है, आप मेरे फेसबुक मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स में लाखों लाखों मैसेज आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे फेसबुक फॉलोवर्स होते हुए भी उनका पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा, उनका अर्निंग भी 800-900 डॉलर्स हो गए लेकिन उनका पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पेज में ऐसे कुछ अनऑरिजिनल कंटेंट केस हुआ था, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कंटेंट आईडी मैच का इशू आ जाता है। इसमें आपकी गलती होती है, आपकी गलत तरीके से शेयर करते हो, गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हो। देखो यार, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग करना चाहते हो आप, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आप लोगों को फेसबुक शेयरिंग का सभी रूल्स बता दूंगा, ऐसा कोई रूल्स नहीं बचेगा जो मैं आप लोगों को ना बताऊँ। बाकी अगर अदर यूट्यूबर्स होते हैं जो आपको पूरा रूल्स नहीं बताते हैं, जो आपकी गलती हो जाती है जब आपका कुछ स्ट्राइक और इशू हो जाता है, तब आपको एक दो रूल्स बता देते हैं कि आपने ऐसे शेयरिंग की है तभी आपको ये प्रॉब्लम आई है, तभी आपका पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा, आपके पेमेंट में स्ट्राइक आ गए, जबकि मैं आपको गलती होने से पहले आपको सभी रूल्स बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। बिना सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आता है शेयरिंग में, सबसे पहले आप दोस्तों अगर कभी भी आप लॉन्ग टर्म में फेसबुक शेयर नहीं करना चाहते, आप अपने पेज को मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो आप कभी भी आपको मेन अकाउंट से शेयरिंग नहीं करनी, कभी वो फेसबुक अकाउंट कम्युनिटी गाइडलाइन से ऐसा लिखा हुआ है कि आपका फेसबुक ऐसा करने से आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। एक अकाउंट से आपका 3-4 पेज बना हुआ है, मेन अकाउंट से आप शेयरिंग कर रहे हो, मेन अकाउंट से आप बहुत सारे ग्रुप को ज्वाइन किया और उन्हीं सारे से आप ज्वाइन कर ग्रुप को शेयर कर रहे हो, तो आपका फेसबुक पेज आपका लॉक कर देता है। ठीक है, ये आप ये लोग बहुत सारे लोग ऐसा फेस किए होंगे। ठीक है, एक बार आपका मेन अकाउंट लॉक्ड हो गया तो आपका सभी पेज बंद हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी पेज आपके मेन अकाउंट से जुड़े हुए हैं सभी पेज आपका टोटली बंद हो जाते हैं, आप फिर उनसे उन सभी पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपका जो मेन अकाउंट से 10-5 बार शेयरिंग करते हो तो उससे कोई इशू नहीं होता, ये बात बिल्कुल सी नॉर्मल है, लेकिन आप अपने मेन अकाउंट से बहुत सारे ग्रुप को ऐड करते हैं, आपका 100-200 ग्रुप है, एक बार में आप 70-80 शेयरिंग मेन अकाउंट से कर रहे हो तो फेसबुक आपके लिए एक दो बार आपको वार्निंग देगा, उसके बाद आपका मेन अकाउंट को एक ऑटोमेटिक लॉग आउट कर देगा, जैसे अनयूजुअल एक्टिविटी होने पर आपका फेसबुक अकाउंट को भी लॉक कर देता है, मतलब एक दो बार गलती करने पर आपका फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं, मतलब आप मेन अकाउंट से 3-4 बार ये गलती करते हो तो फेसबुक आपके मेन अकाउंट को परमानेंटली लॉक कर देता है। अब सेकेंड नंबर पर आता है शेयरिंग अनदर पेज, आप लोग में से बहुत सारे लोग में से बहुत सारे अनदर पेज बनाए होंगे और वो लोग क्या करते हैं, आप लोग के मेन अकाउंट से आपका 3-4 पेज बना होगा तो एक पेज में आपका बहुत सारे फॉलोवर्स है, जिस पेज में आपका बहुत सारे कम फॉलोवर्स है उस पेज में आपको दूसरे पेज उस पेज की वीडियो को आप दूसरे पेज में शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका फेसबुक ने बार बार आपको पेज को वार्निंग देता है, बार बार वार्निंग देगा,
जिसमें आपका जब तक मोनेटाइज हो जाएगा, आप जब तक अच्छे खासे अर्निंग भी कर लोगे, उसके बाद फेसबुक आपका पेमेंट नहीं देता है जब तक आपका फेसबुक पेज से इशू ना हट जाए। और दिस वार्निंग को हटाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको स्वयं के दूसरे पेज में आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। आप अपने फेसबुक पेज के एक पेज के वीडियो को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने दूसरे पेज में कभी भी शेयर नहीं कीजिए। मतलब कि आप पूरे फेसबुक पेज पूरे तरीके से डिसेक्टेड है, लेकिन दूसरे अकाउंट का दूसरे पेज है, तो मेन अकाउंट है आपका दूसरा पेज है, तो फिर आप अपने पेज के वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक ही अकाउंट के 2-3 पेज है और आप एक पेज के वीडियो को दूसरे पेज पे शेयर करते हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप मेरे पेज में देख सकते हो, ऐसे ही बार बार ऐसे इशू आ रहे थे बार बार, जिसको मैंने बाद में कम्युनिटी गाइडलाइंस से पढ़ा था, उसको बार बार मेरे को पता चला, फिर पता चला कि इस पर इशू क्यों आ रहा है, जिसमें लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट की वार्निंग रहती है एंड एक अनओरिजिनल कंटेंट की वार्निंग रहती है। और तीसरे नंबर पे आता है शेयरिंग अनलिमिटेड ग्रुप्स। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने अकाउंट में बहुत सारे ग्रुप को ऐड किए होते हैं, जिस ग्रुप में मेंबर मिलियन जुड़े होते हैं, फिर आप फेसबुक पेज में जो जुड़े होते हो तो अपलोड करते हो, तो फेसबुक पेज में आप क्या करते हो, फिर उस वीडियो को आप सभी फेसबुक ग्रुप में शेयरिंग करना स्टार्ट करते हो। तो शेयरिंग आप सीधे जितने भी ग्रुप आप ज्वाइन किए, सभी में आप क्या करोगे, लगातार आप शेयर करते चले जाते हो, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, इसमें सभी में एक लिमिट है। आखिर इंस्टाग्राम में आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो अनफॉलो करते हो तो आपके अकाउंट को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दिया जाता है, कुछ देर के लिए, मतलब आपको इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो अनफॉलो नहीं, किसी और लाइक और कमेंट नहीं कर सकते। यही सेम सिचुएशन आपके फेसबुक अकाउंट में भी होते हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप में भी अगर आप यूट्यूब वीडियो शेयर करते हैं, तो आपको एक बार में अपनी वीडियो को शेयर करना है, तो आपको एक बार में कम से कम 50, एक बार में आपको 50 ग्रुप नहीं शेयर करना चाहिए, एक बार में आप 50 से ज़्यादा ग्रुप शेयर ना करें, जबकि आप कुछ टाइम के बाद 1 घंटे बाद दोबारा 50 ग्रुप को शेयर कर सकते हैं। और एक दिन में मैक्सिमम आपको 150 से ग्रुप ज़्यादा ग्रुप को शेयर नहीं करना। और आपको मेरे बात का बिलीव नहीं, तो आप फेसबुक वाले वीडियो को एक बार में आप 100-150 ग्रुप को शेयर करके देख लीजिएगा, फेसबुक आपको तुरंत अकाउंट को आपको अनयूजुअल एक्टिविटी करने लगेगा और कुछ देर के लिए आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। हालांकि आपका एक से दो बार यह दोहराओगे गलती को, तो आपका फेसबुक लॉग आउट कर देगा आपके अकाउंट को। अगर 3 से 4 बार ये गलती दोहराते हो, तो आपका फेसबुक अकाउंट को बिल्कुल लॉग कर देगा, जिसको अनलॉग करने में आपको 1 महीने का समय लग सकता है। और फेसबुक आपको बिल्कुल वोटर आईडी और अकाउंट आधार कार्ड कोई भी अकाउंट आइडेंटिफिकेशन मांगता है फिर। और इसी तरह सेम इंस्टाग्राम पर भी होता है, बार भी आप भी ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉलो लाइक करते हो, तो आपका अकाउंट कुछ देर के लिए फ्रीज कर दिया जाता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान देना कि आपको एक बार में 50 से ज़्यादा ग्रुप को शेयर नहीं करना। आधा 1 घंटे के बाद आप 50 ग्रुप को और शेयर कर सकते हो, और एक दिन में मैक्सिमम 150 ग्रुप में ही शेयर करना है, क्योंकि ये आपके अकाउंट में अन्य एक्टिवेट करते हो तो फेसबुक भी समझ जाता है कि ये कोई स्कैम अकाउंट है और इसमें बार बार शेयरिंग ही हो रही है, और ये एक फेक अकाउंट है जिसमें शेयरिंग के लिए इस अकाउंट को बनाया गया है और बार बार इसका अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, तो जिससे आपका फेसबुक ये अकाउंट को आपको लॉक कर देता है। अब 4th नंबर पे होता है शेयरिंग स्कैम आईडी। आप लोग में से बहुत सारे लोग जिसमें बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जो फेसबुक को यूज करते हैं और जिनका फेसबुक पर पेज है, जिनको पता रहता है कि फेसबुक अकाउंट पे भी हम शेयरिंग करेंगे, उनको पता है फेसबुक अकाउंट कभी आपका मेन अकाउंट लॉक हो सकता है, डिलीट हो सकता है, तो आपको एक दूसरा अकाउंंट बना लेते हैं, वे फेक गर्ल का अकाउंट होता है। इससे क्या होता है कि आपको फेसबुक जितने भी ज़्यादा ऑडियंस है उनको फॉलो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक लड़की का अकाउंट है। तो आप अपने अकाउंट दूसरे अकाउंट से बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते हैं, 150-200 ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ से आपको अपने फेसबुक पेज के वीडियो को शेयरिंग करते रहते हो, तो आपको फेक अकाउंट से भी अनयूजुअल एक्टिविटी बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको एक लिमिट में वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक आपके सेकेंड आईटी को स्कैम आईटी में समझने लगता है, और आपको फेसबुक फीमेल अकाउंट को बनाया तो बहुत ही ज़्यादा लोग आपको आपके उसमें ऐड होने लगते हैं। एक बार आपको फेसबुक इस अकाउंट को बैन कर दे, तो आप इस अकाउंट को अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिफिकेशन मांगा जाएगा जिसमें आपको फेसबुक के डीटी और आइडेंटिफिकेशन को डीपी को मैच किया जाता है, जबकि आपको सेकेंड अकाउंट में किसी भी फीमेल अकाउंट की आईडी बनाई है, तो आपकी आईडी डिसमिस होने से फेसबुक अपने अकाउंट को कभी अनलॉक नहीं करता। और अपने जितने भी अकाउंट को ग्रुप को ज्वाइन किया, तो जितनी भी शेयरिंग किया, तो सभी कुछ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। और 5th नंबर पर आता है शेयरिंग वीडियो, 5th अपलोडेड वीडियो, जिसमें जितने भी लोग अपलोड करते हो वीडियो, उसमें से वॉच ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ से आपको वीडियो वॉच करते हैं। तो उसमें आप क्या करते हो कि जितने भी फेसबुक जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए, उस वीडियो को लिंक कॉपी करके 3rd वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर उसी वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर अपलोड कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेसबुक आपको एक बार में कोई भी वीडियो अपलोड हो गए एक कॉन्टेंट आईडी मिल जाती है। दोस्तों अगर बंदा उसी वीडियो को दोबारा डाउनलोड करके वीडियो को अपलोड करता है फिर से, तो सेम वीडियो अपलोड करने से कंटेंट आईडी मैच हो जाती है और आपके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो चलिए, आपको फेसबुक की कभी भी वीडियो को अपलोड अपने पेज पे, आप यूट्यूब से मूवी क्लिप को ले करके एडिट करके
अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि कैसे आप मूवी क्लिप को एडिट करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब बना भी रखा हूँ, जैसे कि आपको काफ़ी किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है फेसबुक पर 90% ऑडियंस जो पेज बनाए हुए वो मूवी क्लिप अपलोड करके ही पैसा कमा रही है, और उसमें अपलोड करके बहुत ज़्यादा एडिटिंग करते हैं, उसके उसके बाद उनके कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। इसके लिए मैं एक खुली एक वीडियो बना दूंगा, उसको मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको हमेशा ध्यान देना है कि फेसबुक को एक वीडियो को यूट्यूब को फेसबुक के एक ही वीडियो को दोबारा अपलोड नहीं करना, थोड़ा एडिटिंग करके कर सकते हो, ठीक है। अगर फेसबुक के वीडियो को अपलोड ही करना चाहते तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ती है। और लास्ट सिक्स ऑप्शन आता है शेयरिंग डुप्लीकेट कंटेंट। अगर कभी भी आपको डुप्लीकेट कंटेंट को अपलोड नहीं करना, मान लीजिए आपका मेन अकाउंट से दो तीन पेज है और दो तीन पेज में आप सोच रहे हो कि एक ही पेज में हम दूसरे पेज उसी को अपलोड करें, दूसरे पेज में उसी को अपलोड करना, तो उस तरह का गलती करने में आपको फेसबुक जान जाता है कि डुप्लीकेट कंटेंट का आप यूज़ कर रहे हो और एक ही पेज से आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। जितने पेज में आप उस वीडियो को अपलोड किया होगा उस सभी पेज को फेसबुक पेज को फ्रीज कर देता है, ठीक है। और कुछ देर के लिए आप फेसबुक पेज को अपलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बार बार यही गलती करने पर आपका फेसबुक पेज को फेसबुक आपके पेज को डिलीट भी कर देता है, क्योंकि आपको एक बार आपके पेज फेसबुक पेज पर कोई भी आप वीडियो अपलोड उसका आपको कॉन्टेंट आई डी मिल जाता है। आप भी फेसबुक से अगर लॉन्ग टाइम के लिए अर्निंग कर देते हो, आप भी फेसबुक आप चाहते हो फेसबुक पेज डिलीट ना हो, आपके फेसबुक पेज पर किसी प्रकार की अर्निंग नहीं आए, अच्छे खासे अर्निंग चलती रहे, तो आपको हमेशा ये सभी रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। रूल्स अभी फेसबुक के सभी रूल्स को शेयरिंग करने के कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रूल्स को मैंने नहीं छोड़ा, सभी रूल्स को मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस से पढ़ के आपको बताया। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि यूट्यूब ने अभी तक किसी बंदे ने डेडिकेटेड रूल्स नहीं बताए होंगे। दोस्तों मैंने आपके कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन किस प्रकार का अपलोड करें इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। फेसबुक के कौन कौन से रूल्स से क्यों किस प्रकार का आपको वीडियो अपलोड करना चाहिए मैंने हमेशा बना दूंगा, इसके लिए भी आप तो आप लोग वॉच कीजिए जाके वहाँ पे मैं वीडियो देखिए। आप तो मैं भी बहुत व्यापक के लिए वीडियो बनाने के लिए पसंद भींग जाता हूँ। अरे अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं फिर से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।